विधानसभा में हंगामे को लेकर सीएम गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला का, भाजपा ने सरकारों को गिराने का बनाया नया मॉडल, सदन में कल लंपी को लेकर होगी चर्चा। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत, बीजेपी विधायकों ने लंबी को लेकर जमकर की नारेबाजी, कहा राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही सरकार, कल सुबह 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित। पंजाब में बीजेपी की सेना के सिपाही बनेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, थोड़ी ही देर बाद बीजेपी में कैप्टन करेंगे अपनी पार्टी का विलय। मोहाली की यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड के तीनों आरोपियों की पेशी, सरकार ने गठित की कमेटी, एसआईटी करेगी अब मामले की जांच। बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा की धमकी, हिंसा में शामिल लोगों को 10 मिनट में सिखा देंगे सबक, बीजेपी ने ठहराया तमाशेबाज। यूपी विधानसभा कूच में योगी सरकार और विपक्ष में संग्राम, योगी ने पढ़ाया कानून के पालन का पाठ, अखिलेश ने दागे किसानों की समस्याओं पर सवाल। पुलिस के सामने अभिनेत्री जैकलिन की पेशी, सुकेश के प्लेन में सफर और गिफ्ट पर मांगे डॉक्यूमेंट्स, डिजाइनर आज नहीं होंगी पेश। नागौर में फिर गैंगवार की आहट, कोर परिसर के बाहर पेशी के दौरान बदमाशों ने मारी गोली, हमले में एक की मौत, दो घायलों का इलाज जारी, हरियाणा नंबर की गाड़ी से आए थे हमलावर। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 22,000 की घूस लेते रंगे हाथों वन रक्षक ट्रैप, मिट्टी खुदाई का केस नहीं बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। क्वीन एलिजाबेथ टू को अंतिम विदाई, सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा शव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि, 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में हुआ था निधन।